गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे इरर्स इन मेजरमेंट। इरर इन मेजरमेंट यानी कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इरर आ जाती हैं। वो इरर क्यों आती हैं और इरर क्या होती हैं और उन्हें कैसे रिमूव करते हैं और उन्हें कैसे प्रोपगेट करते हैं आगे, वो सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअली इरर होती क्या है? जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में उसे हम बोलते हैं इरर। और ये अनसर्टेनिटी आती कैसे है? जब एक्चुअली हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ वैल्यू फाइंड की, कोई ऑब्जर्वेशन किया। एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, जैसे हम कोई रीडिंग लेते हैं या फिर कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हमारी कुछ रीडिंग आई। ठीक है, मान लीजिए एक्स रीडिंग आई, लेकिन उसी रिजल्ट की कुछ एक्यूरेट रीडिंग थी, कुछ स्टैंडर्ड रीडिंग थी। ठीक है, उस रिजल्ट की कुछ स्टैंडर्ड रीडिंग थी, वो कुछ और थी। मान लीजिए वो हमारी एक्स स्टैंडर्ड थी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग थी। तो जो एक्चुअली हमारी इरर होती क्या है? इरर होती है हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग से जो हमारी रीडिंग, खुद की रीडिंग निकली है वो कितनी अलग है, उसे हम इरर बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रीडिंग से जो हमारी रीडिंग है उसको, उसमें कितना डिफरेंस है, उसे हम इरर बोलते हैं। ठीक है, अब इरर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इरर क्या हो सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इरर के कई सारे टाइप होते हैं, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, एक होता है कॉन्स्टेंट इरर। ठीक है, दूसरा होता है सिस्टमेटिक इरर, सिस्टमेटिक इरर। फिर होता है आपका ग्रॉस इरर। ठीक है, ग्रॉस इरर। फिर आपका आता है रैंडम इरर। ये कई सारे इरर्स के टाइप हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टेंट इरर होता है, कॉन्स्टेंट इरर एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें हम कई सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं और हर एक ऑब्जर्वेशन में हमें सेम इरर मिलती है, सेम इरर मिले हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो हम उसे कॉन्स्टेंट इरर बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट इरर हमें मिलती क्यों है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम फॉल्टी कैलिब्रेशन कर देते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसमें हमने फॉल्टी कैलिब्रेशन कर दिया, फॉल्ट कैलिब्रेशन कर दिया, तो उस केस में हमारे कॉन्स्टेंट इरर आ जाती है। यानी कि अब इंस्ट्रूमेंट में ही हमने फॉल्ट कैलिब्रेशन किया है तो हमारी कॉन्स्टेंट इरर तो आएगी हर बार, जब जितने बार भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारी वही इरर हमें कॉन्स्टेंट मिलती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमेटिक इरर की। सिस्टमेटिक इरर जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसके भी कई सारे पार्ट होंगे, हर एक पार्ट्स की वजह से कुछ ना कुछ इरर होगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल इरर, यानी कि सिस्टमेटिक इरर हमारी इंस्ट्रूमेंटल इरर की वजह से आती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट ही इनएक्यूरेट है तो इस वजह से हमारी इंस्ट्रूमेंटल इरर की वजह से कुछ ना कुछ इरर आती हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट इसका होता है पर्सनल इरर। पर्सनल इरर यानी कि हमारी खुद की गड़बड़ी से कुछ इरर आती हैं, हम खुद ही अगर सीरियसनेस लेके ना कैलकुलेशन किए, हमारा ऑब्जर्वेशन ही कुछ गड़बड़ रहा, हमने खुद गलती की है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इरर आएंगी, उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल इरर। ठीक है, और इसी में आता है इरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, विंड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, तो इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ हमें इरर देखने को मिल सकती हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में, इनकी वजह से भी इरर मिलती हैं। ठीक है, थीके? तो इनसे भी हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब फिर आपका आता है इरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज, इरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज यानी कि जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं उनकी वजह से भी हमें इरर देखने को मिलती हैं। ठीक है, थीके? जैसे हम कैलोरीमेट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें इंटरनल एनर्जी कहीं लेनी होती है, कभी नहीं लेनी होती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी आपकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहती है, तो उसकी वजह से भी हमें सोर्सेज ऑफ इरर इंक्लूड हो सकती है हमारे मेजरमेंट में। ठीक है,
अब फिर बात करते हैं ग्रॉस एरर की, ठीक है। ग्रॉस एरर क्या होती है उसे हम समझते हैं। ग्रॉस एरर एक्चुअली आती कैसे है, देखो पहले आती है ग्रॉस एरर इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने इंस्ट्रूमेंट की ही सेटिंग इम्प्रॉपर की हुई है तो उसकी वजह से भी हमें ग्रॉस एरर देखने को मिल सकती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, अब हम ऑब्जर्वेशन को ही ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने में, तो उनकी वजह से भी हमें ग्रॉस एरर देखने को मिलती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करते टाइम हमें सीरियस रहना चाहिए और ऑब्जर्वेशन को सीरियसली रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्वेशन सीरियसली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो भी हमारा एरर का कॉज बन सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर्स को ध्यान नहीं रखते हैं तब भी हमें एरर देखने को मिल सकती है। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ वायरिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें पता है लूज कनेक्शन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन करना चाहिए। थर्मामीटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो हमें पता है जब भी हम उसकी रीडिंग लें तो हमें उसके पैरेलल में जाके देखना चाहिए, हाइट से ऊंचाई से नहीं देखना चाहिए, नीचे से नहीं देखना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं प्रिकॉशंस में आती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखेंगे और हम रीडिंग नोट करने लग जाएंगे तो भी हमारी सोर्सेज ऑफ एरर का कॉज बन सकती है, ठीक है, उससे भी हमारी एरर आ सकती हैं। अब देखिए इसमें ही एक और आता है, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन, यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम हमें रॉन्ग वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। अगर रॉन्ग वैल्यू आ जाती है तो वो भी हमारे सोर्सेज ऑफ एरर का कारण बन सकती है। जैसे मान लीजिए हम कोई कांस्टेंट की वैल्यू रख रहे हैं, जी की वैल्यू हमें पता 9.8 होती है, और अगर हम इसकी वैल्यू 9.7 रख देंगे तो वो भी हमारे सोर्सेज ऑफ एरर का कारण बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सोर्सेज ऑफ एरर इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं रैंडम एरर की, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है रैंडम एरर, तो ये एरर हमारी किसी भी कारण से आ सकती है, हमारे पर्सनल कारण से भी आ सकती है, हमने लापरवाही बरती उस वजह से भी आ सकती है, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से आ सकती है, और हमारी फॉल्टी कैलिब्रेशन, किसी भी वजह से ये हमारी रैंडम एरर मेजरमेंट में आ सकती है, ठीक है। इस रैंडम एरर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एरर आती है हर एक मेजरमेंट में तो हमें बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी हमने मेजरमेंट लिया है तो उसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें पता है इसमें एरर है, पक्का एरर तो है ही, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें कम से कम एरर होगी, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन में हमारी A1 वैल्यू आई पहले ऑब्जर्वेशन की, दूसरे की A2 आई, तीसरे की A3 आई, चौथे की A4 आई, फिर A5 टेस्ट 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 टेस्ट, इस प्रकार से AN वैल्यूज आ गई हमारे ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। अब मान लीजिए इनकी कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, यानी कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, जिसको हम AM मान ले रहे हैं, AM हमारी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें एरर भी कम है, ऐसी वैल्यू हमने AM को मान लिया, ठीक है। अब जो A1 ऑब्जर्वेशन होगा वो हो सकता है उसकी वैल्यू AM से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है, और ये भी हो सकता है A2 की वैल्यू AM से थोड़ी सी कम हो, ऐसे ये भी हो सकता है कि A3 की वैल्यू AM के बराबर हो, और ये भी हो सकता है कि A4 की वैल्यू AM से कम हो, ये भी हो सकता है कि A5 की वैल्यू AM से ज़्यादा हो, कुछ भी ऐसे रैंडमली हो सकता है, AN की वैल्यू एक बराबर हो, कुछ भी हो सकता है रैंडमली। तो इनको हमें बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी कि इनमें से बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी जो हमारे मेजरमेंट की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका मीन ले लेते हैं। ए मीन हमारा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN अपॉन N, इन सब का अगर हम मीन ले लेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी। जब हम मीन लेंगे तो 1 अपॉन N तो हम बाहर निकाल लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस टेस्ट 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 प्लस AN, ऐसे लिखेंगे ना मीन में, 1 अपॉन N तो हम बाहर ले लेंगे। अब हमें सिग्मा का सिंबल लगाना है, क्योंकि प्लस प्लस किए ना, सारी वैल्यू को प्लस किया, और कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 से स्टार्ट किया, A1 से स्टार्ट किया ना, और AN तक गए, ठीक है, और यहाँ पर हमने AI लिख दिया, यानी कि AI का मतलब क्या है,
आई की वैल्यू हम पहले वन रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आई की वैल्यू टू रखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर आई की वैल्यू थ्री रखेंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी, जिसमें कम से कम इरर होगी, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मेजरमेंट के हम मान के चलेंगे, वो हमारी ये होगी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस एन इरर, ठीक है, हाउ टू एक्सप्रेस एन इरर, यानी कि इरर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इरर हमारी कई टाइप की होती हैं। इरर पहले होती है आपकी एब्सोल्यूट इरर, एब्सोल्यूट इरर, ठीक है, और दूसरी इरर आपकी होती है रिलेटिव इरर, और फिर आपकी आती है परसेंटेज इरर। इन इन मेथड से हम इरर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट इरर, रिलेटिव इरर, परसेंटेज इरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, जैसे हमें पता है कोई हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कोई हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ट्रू वैल्यू हमने निकाली, उससे ऑब्जर्व वैल्यू को घटा दिया, तो वो हमारी एब्सोल्यूट इरर आ जाती है, ठीक है। ए वन ऑब्जर्वेशन था, तो इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट इरर डेल्टा ए वन लिख दी हमने, ठीक है। अब वैसे ही अगर ए टू ऑब्जर्वेशन किया और ट्रू वैल्यू से हम ए टू को सब्स्ट्रैक्ट कर दें, तो जो एब्सोल्यूट इरर आ रही है हमारी ए टू आ रही है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे डैश 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 करते करते हमने मान लिया कि जो हमारा ए मीन, यानी कि ए मीन को हम ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हैं, और ये हमारा ए एन था ऑब्जर्वेशन था, इससे जो एब्सोल्यूट इरर निकली वो ए एन निकली, ठीक है। अब ये हमारी एब्सोल्यूट इरर आए। अब हमें बात करनी है फाइनल एब्सोल्यूट इरर की। ये तो हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट इरर निकाल दी, अब हम बात करते हैं फाइनल एब्सोल्यूट इरर। अब जो फाइनली एब्सोल्यूट इरर आपकी आएगी वो कितनी आएगी, इन सब का हमें मीन लेना है, डेल्टा ए मीन, यानी कि जितनी ये वैल्यू निकल के आई इन सब का हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, हर एक इरर का हमें मीन लेना है, सिंपल है, डैश 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 प्लस डेल्टा ए एन, इनका मॉड ले लिया, यानी कि हम इनके मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इनका मीन निकालना है, तो मीन कैसे हम निकालेंगे, सिग्मा के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, सिग्मा के फॉर्म में डेल्टा ए मीन इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा आई से लेके वन से लेकर एन तक, और सिग्मा की वैल्यू हम डेल्टा ए आई लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू हम पहले वन रखेंगे, फिर प्लस, फिर आई की वैल्यू टू, प्लस डैश 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 आई की वैल्यू एन तक रखते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट इरर, फाइनल एब्सोल्यूट इरर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव इरर क्या होती है। रिलेटिव इरर का मतलब ही है किसी के रिस्पेक्ट में हम इरर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में इरर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इरर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी उसी के रिस्पेक्ट में इरर हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जो हमारी अभी वैल्यू आई डेल्टा ए मीन, यानी कि जो हमारी फाइनल इरर थी, फाइनल एब्सोल्यूट इरर थी, उसी का हम रिलेटिव इरर फाइंड आउट कर रहे हैं, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए ए मीन, ठीक है। यानी कि जो ट्रू वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में हम इरर फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्रू वैल्यू थी हमारी ए मीन, और जो इरर आई थी डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन कर दिया, तो ये हमारी रिलेटिव इरर आ जाएगी, ठीक है। रिलेटिव इरर किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, रिस्पेक्ट में किसके निकाल रहे हैं, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम इरर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज इरर की, कि हम परसेंटेज इरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज इरर, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, जो आपकी रिलेटिव इरर आई है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज इरर निकल आएगी। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ए मीन का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, इंटू 100, 100 कर दिया, तो ये हमारी परसेंटेज इरर बन के आ जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, कि मान लीजिए कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि हमने मान लीजिए बॉयल्स लॉ का यूज़ करके प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट की, बॉयल्स लॉ के यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हमारी निकली 74.5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, ये वैल्यू निकली, और हमें
पता था जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है बैरोमीटर का यूज करके जो वैल्यू निकल रही है वो है 75.8 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये हमारी बैरोमीटर का यूज करके वैल्यू निकल रही थी, ये वैल्यू दी गई इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करें एब्सोल्यूट इरर कितनी आएगी इस केस में। एब्सोल्यूट इरर जो आपकी एब्सोल्यूट इरर आएगी वो हमारी ट्रू वैल्यू 75.8 माइनस 74.5 होगी। ठीक है, तो यानी कि एब्सोल्यूट इरर आपकी आ गई 1.3 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये हमारी एब्सोल्यूट इरर आ गई। अब अगर हम रिलेटिव इरर की बात करें, रिलेटिव इरर तो रिलेटिव इरर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। यानी कि 1.3 हमने ऊपर रखा, जो एब्सोल्यूट इरर थी वो ऊपर रखा, और जो ट्रू वैल्यू थी 75.8 उसे हमने नीचे रखा। तो ये जो आ गई हमारी इसे हम बोलते हैं रिलेटिव इरर। ठीक है, अब वहीं हम बात करें परसेंटेज इरर की, तो हमारी परसेंटेज इरर कितनी होगी, जो हमारी रिलेटिव इरर है 75.8 इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारी बन के आ जाएगी परसेंटेज इरर, यानी कि आपका 1.7% कुछ इरर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इरर की। प्रोपेगेशन ऑफ इरर यानी कि इरर हमारी प्रोपेगेट कैसे करती हैं। जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हमें दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, कई सारे केसेज आ जाते हैं जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उस केस में इरर के साथ ये ऑपरेशन कैसे वर्क करेंगे, इरर के साथ ये ऑपरेशन कैसे वर्क करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे प्रोपेगेशन ऑफ इरर। ठीक है, जैसे हमने कोई ऑपरेशन किया, अब वहाँ पे हमें इरर को ऐड करना है। ठीक है, जैसे दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, इनमें कुछ ना कुछ इरर है, तो इनके साथ में जो जेड में इरर आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, जेड में टोटल इरर कितनी आएगी। ठीक है, जेड लिखा हमने, इसमें मान लिया प्लस माइनस डेल्टा जेड की इरर आ रही है। ठीक है, अब ए में इरर कितनी थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की इरर हमने ए में मान ली, और बी में इरर कितनी थी, बी में हमने मान लिया प्लस माइनस डेल्टा बी की इरर बी में मान ली। ठीक है, अब इसको हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, जब खोलेंगे इसमें तो जो ए प्लस बी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, फिर प्लस माइनस आपका बाहर हर एक कंपोनेंट के साथ हम प्लस माइनस को ऐड ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम प्लस माइनस को लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए प्लस बी को हमने अलग लिख लिया और ये क्वांटिटी हमने अलग लिख दी। ठीक है, अब यानी कि जो आपका जेड है वो तो हो गया ए प्लस बी। ठीक है, और जो डेल्टा जेड है, प्लस माइनस डेल्टा जेड है, वो हो गया हमारा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब जो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो हम देखते हैं। इसको जब हम खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ सकती है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये भी आ सकती है, और प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी भी आ सकती है, और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी आ सकती है, और माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी भी आ सकती है। इतनी वैल्यूज आ सकती हैं जब हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमें इरर कौन सी लेनी होगी, जो हमारी मैक्सिमम इरर होगी। मैक्सिमम इरर को हम कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम इरर होगी वो हमारी डेल्टा जेड की इरर होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम इरर कितनी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जब हम एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो जो उसमें इरर आती हैं उनको, जो मैक्सिमम इरर होती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, उसको ही हम इरर मान के चलते हैं एडिशन के केस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंस। रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंस यानी कि जब आपके रिजल्ट में डिफरेंस इन्वॉल्व हो दो क्वांटिटी का, तब हमारे ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, जैसे आपका जेड है, जेड इक्वल टू ए माइनस बी हमने लिख दिया। ठीक है, अब जेड में कुछ ना कुछ इरर आएगी ए और बी की वजह से, वो हमने मान ली प्लस माइनस जेड इरर आ रही। ठीक है, अब इसमें ए में इरर होगी प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में इरर होगी माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये इरर होगी। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने, अब हम करेंगे क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इन्हें ओपन कर देंगे, ए और प्लस बी को, ए माइनस बी को एक साइड में लिख दिए, ए माइनस बी एक साइड ले आए, और जो बाद बाकी के टर्म थे वो हम दूसरी साइड में लेके चले गए। ठीक है, इनको हम दूसरे साइड में लेके चले गए।
ये हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी जिसे हमने z से रिप्रेजेंट किया था, तो z तो हमारा हो गया a माइनस बी, ठीक है। z को तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। अब जो डेल्टा z बचा हमारा, वो हमारा कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ये हमारा डेल्टा z बचा, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि ये मैक्सिमम कितना एरर दे सकता है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये भी वैल्यू आ सकती है। और तीसरी वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ सकता है। और चौथी वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये वैल्यू आ सकती है। तो यानी कि इस केस में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, इस केस में मैक्सिमम एरर कितनी प्रोपोगेट होगी, मैक्सिमम एरर इस केस में होगी प्रोपोगेट जो कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम एरर सब्स्ट्रैक्शन के केस में भी प्रोपोगेट हो रही है वो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल एरर प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, यानी कि जो आपका रिजल्ट है उसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तब उस केस में हमारी एरर कैसे प्रोपगेट करेंगी, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा, जिस कि हमें एरर फाइंड आउट करनी है, डेल्टा जेड हमें फाइंड आउट करना है, दो क्वांटिटीज़ जिसमें एरर है डेल्टा ए और दूसरी क्वांटिटी जो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए इसको हमें ओपन करना है सिंपल, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं वो आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ओपन करने में शायद आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए जो ए बी था, ए बी तो हमने जेड इक्वल टू ए बी माना ही था, जेड ए बी के बराबर था स्टार्टिंग में हमारा, ठीक है। अब जो डेल्टा जेड आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा जेड आ रहा है, वो हमारा कितना आ रहा है, ए बी को हम बाहर निकाल दें, ए बी को हटा दें, तो बाद के जो टर्म बच रहे हैं वो हमारे प्लस माइनस डेल्टा जेड के बराबर बच रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अब ये टर्म आ रहे हैं ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये टर्म हमारे प्लस माइनस डेल्टा जेड के बराबर हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में हम जेड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जेड से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर हम जेड से डिवाइड करेंगे और यहाँ हम ए बी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जेड हमारा ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये क्वांटिटी है डेल्टा ए आपका वन से छोटा है, लेस देन वन है, ये भी हमारा लेस देन वन है। अब जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये नेग्लेक्जिबल क्वांटिटी शो करेंगे, नेग्लेक्जिबल बन जाएंगे, ठीक है। यानी हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे जो वैल्यू आ रही है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये वैल्यू हमारी आ रही एरर की। अब एरर को हम इन्हीं वैल्यू को एक्सटेंड करेंगे, खोलेंगे तो इसमें मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, एक तो हमारी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी, ठीक है। और दूसरी हमारी इसी का माइनस कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी, ठीक है। और तीसरी हमारी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी, ठीक है। और चौथी हमारी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी। तो इन सभी में देखिए मैक्सिमम एरर हमारी कितनी आ रही, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि जो आपकी जेड में एरर आएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड होगा जो, वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि जो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी है, यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं
तो उस केस में जो हमारी एरर आ रही है, उस केस में जो हमारी रिलेटिव एरर आ रही है, वो हमारी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ शायद आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व क्वेसेंट क्वेटिएंट ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज, यानी कि जब हमारी टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम कैसे प्रोपगेट करेंगे। जैसे जेड इक्वल टू ए अपॉन बी है, ये हमारी एक क्वांटिटी है। अब इसमें हमें इरर कैसे प्रोपगेट होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, जेड में इरर आएगी प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए और बी की इरर होगी प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की इरर होगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इरर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ए प्लस माइनस डेल्टा ए को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और जो बी वाला टर्म था बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको हम इनवर्स के फॉर्म में ऊपर उठा के लेके चले आए। ठीक है, अब जब हम इसमें ए को कॉमन लेंगे, ए को फर्स्ट टर्म में से हमें कॉमन लेना है, तो हम ए को जब कॉमन लेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बी इनवर्स को हमें कॉमन ले लेना है दूसरे ब्रैकेट से, तो जब हम बी इनवर्स को इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी का इनवर्स, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बी इनवर्स को हमने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, अब ए और बी इनवर्स को हम अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी इनवर्स को हमने अलग निकाल लिया, और जो अंदर बच रहा है उसको हम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए, और जो इधर लिखा वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और जो हमारे आगे के टर्म आएंगे वो हमारे पावर होंगी, हाइयर पावर में जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे टर्म बचेंगे वो इस प्रकार से बचेंगे, जैसे अभी हम लिख रहे हैं जिसको देखिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा, ए अपॉन बी, ए बी इनवर्स को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा ए अपॉन ए, और इस टर्म को लिख रहे हैं वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए अपॉन बी को हम जेड लिख सकते हैं, शुरू में हमने इसे जेड ही लेके चले थे। ठीक है, अब इसको ओपन करना है, ओपन करिए, सिंपल है, डेल्टा ए अपॉन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना, ये आपकी जो है वो नेगलेक्जिबल क्वांटिटी है, क्योंकि जो आपकी वन से छोटे टर्म है इनको ही आप दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी ये नेगलेक्जिबल क्वांटिटी बन जाएंगे। ठीक है, इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो हमें क्वांटिटी कंसीडर करनी है वो हमारी ये क्वांटिटी है, इनको हमें कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, अब इसमें क्या करें, इसमें भी आप जेड कॉमन ले लो, तो कैसे लिखेंगे, जेड को कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जेड हमने यहाँ से कॉमन लिया, और यहाँ पर भी जो इक्वल था वो इसके इक्वल था, तो ये जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड यहाँ पर आया, और जो वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी यहाँ पर आया। ठीक है, वन को वन से कैंसिल कर देंगे। अब जो वन से वन कैंसिल हो गया, फिर जो हमारा टर्म बच रहा है वो बच रहा है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये टर्म हमारा बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि मैक्सिमम इरर कितनी आ सकती है, मैक्सिमम इरर को ही हम एक्चुअल इरर मान के चलते हैं, तो हमारी इस केस में मैक्सिमम इरर कितनी आ सकती है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ही तो हमारी मैक्सिमम इरर आ सकती है ना, तो यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारी इरर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम कोई कहते हैं कि हमें परसेंटेज इरर में फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज इरर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज इरर को ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा जेड इंटू जेड ये इंटू 100 कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर दिया प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर दिया, तो जो ये आपकी इरर निकल के आई इसको हम बोलेंगे परसेंटेज इरर। ठीक है,
और जो ये ऊपर एरर निकल के आई इसे हम रिलेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आप ऐसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट ऑफ सम पावर, प्रोडक्ट ऑफ सम पावर ऑफ मेजर्ड वैल्यू, सम पावर ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी कि कोई हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं उनकी पावर में हमें प्रोडक्ट दिया गया है, तो उसको हम कैसे एरर में उसको कैसे प्रोपोगेट करेंगे वो देखिए। जैसे जेड इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन एम दिया गया, ठीक है। अलग अलग हमने मान लिए ये हमारे दिए गए, तो एरर यहाँ पर कैसे प्रोपोगेट होगी वो देखते हैं। जेड प्लस माइनस जेड लिखा, अब ए की एरर हमने लिखी प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पर पावर n है, और b की एरर लिखी b प्लस माइनस डेल्टा b, और यहाँ पर पावर है m, ठीक है। ये हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z हम ऐसे ही लिख देते हैं, और a की पावर n और b की पावर m को अगर हम बाहर निकाल लें, यानी कि यहाँ इस टर्म से a की पावर n कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से हम b की पावर m कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, बचेगा क्या अंदर वो देखिए, डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा जिसकी पावर होगी एन, और इस वाले प्रोडक्ट में बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी जिसकी पावर एम होगी, ठीक है। ये टर्म बचेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये टर्म था ये तो हमारा जेड के इक्वल था, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट ये जेड के इक्वल है, ठीक है, जेड लिख दिया, और जो अंदर बच रहा है वो हम ऐसे ही लिख देते हैं वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर एम, ठीक है। अब ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि इस प्रोडक्ट को हम ऐसे ही लिख दिए। अब इस वाले जेड को हमें यहाँ डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस पूरे टर्म से हम इसको जेड को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और जो ये टर्म बचेगा जब हम एन को ओपन करेंगे, पावर एन को जब हम ओपन करते हैं तो सिंपल है, आपको कॉम्बिनेशन वाले रूल लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे भी ओपन कर सकते हो। जब आपकी हाइयर पावर होंगी वो नेग्लेक्जिबल चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ हाइयर पावर छोटे टर्म की होंगी ना, क्योंकि वन से छोटे हैं तो उन्हें हम नेग्लेक्जिबल मान लेंगे, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन कर दिया, अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी आएगा, ठीक है, और प्लस एन एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपकी हाइयर पावर हो गई ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट को, तो ये क्वांटिटी हमारी नेग्लेक्जिबल हो जाएगी, ठीक है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या बचेगा अंदर, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल एम डेल्टा बी अपॉन बी, ये बच रहा है ना, वन से वन कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी, ये बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरर किस केस में हो सकती है, जब हम इनका एडिशन लेंगे, ठीक है, तभी हमें मैक्सिमम एरर देखने को मिलेगी, यानी कि इस केस में हम इस प्रकार से एरर को प्रोपगेट करेंगे, ठीक है, डेल्टा जेड अपॉन जेड ये हमारी एरर प्रोपगेट होगी, तो इस केस में इस प्रकार से एरर ऐड होगी, ठीक है, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी के फॉर्म में एरर हमारी प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। आई थिंक ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जब आपका रिजल्ट, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी, डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी, इसको हम लॉगरिथमिक मेथड से करेंगे। अभी तक तो हमने जो मेथड अप्लाई किया था उससे नहीं करके हम लॉगरिथमिक मेथड से करेंगे, लॉग लेने वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। जेड की पावर ए की पावर एन बी की पावर एम, ये हमने क्वांटिटी मान ली। अब इसमें एरर कैसे प्रोपगेट करेगी उसे हम समझेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या, जब हम लॉग लेते हैं, लॉग दोनों साइड अगर हम लेंगे तो जब हम लॉग लेंगे, लॉग जेड इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए की पावर एन माइनस लॉग बी की पावर एम। जब
आपका डिवाइड में होता है ना, डिवाइड में जब हम लॉग लेते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, माइनस लॉग बी की पावर एम आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम लॉग जेड को ओपन करेंगे, जो आपका टर्म हाइयर पावर में होता है वो आपका बाहर निकल के आ जाता है। लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं सिंपल और कुछ नहीं है, लॉग ए माइनस एम लॉग बी, इस प्रकार से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमें डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको लॉग जेड को। लॉग जेड को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आता है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की डिफ्रेंशिएट करने की। तो ये डेल्टा ए अपॉन ए हो गया माइनस एम डी बी अपॉन बी, इस प्रकार से हम लॉग को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी टर्म को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ये तो अभी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में था, डीबी के फॉर्म में था, इसी को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, और माइनस लगाए तो माइनस प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी मैक्सिमम इरर आएगी, मैक्सिमम इरर को ही हमें कंसीडर करना है, तो जो हमारी मैक्सिमम इरर आएगी वो कितनी आएगी, प्लस की साइन से आएगी ना, एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारी मैक्सिमम इरर आएगी। यानी कि जब आपकी हाइयर पावर इन्वॉल्व होती हैं डिवीजन के केस में भी, तब भी उस केस में जो मैक्सिमम इरर आ रही है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी ही आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम इरर इस केस में भी इतनी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्वांटिटीज या कितनी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन हमें भी थ्री क्वांटिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक यू है जिसमें थ्री क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन और जेड की पावर पी मान लेते हैं, ठीक है। ये थ्री क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। अब एक्चुअल में हम इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग लेना ज़्यादा ईजी रहेगा। लॉग यू अगर हम ले लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना, लॉग अगर मल्टीप्लाई में है तो वो ऐड करके जाता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटी दी गई है तो लॉग अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में चली जाती है, ठीक है। लॉग वाई की पावर एन लॉग जेड की पावर पी, ठीक है। अब जो ऊपर हाइयर पावर है वो आगे निकल के आ जाती है, तो इसमें लॉग की हमें प्रॉपर्टी लगानी है, एम लॉग एक्स फिर प्लस एन लॉग वाई प्लस पी लॉग जेड, ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई सिंपल, और अभी कुछ नहीं किया। अब हम लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब लॉग का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशिएट करने का भी एक तरीका होता है। लॉग को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो अपॉन में चला जाता है, डी यू अपॉन यू होता है लॉग का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एन और लॉग बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई अपॉन बाई प्लस पी, लॉग जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी जेड अपॉन जेड, इस प्रकार से हम लिख देंगे। और इन्हें हम ओपन करेंगे, इन फ्रैक्शनल टर्म में अब हम ओपन करेंगे, ये तो हमारे लॉग डेरिवेटिव के टर्म में था, अब हम इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा यू अपॉन यू इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस एन डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस माइनस पी डेल्टा जेड अपॉन जेड, इस टाइप से हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल इरर होगी वहाँ पर, यहाँ पर तो कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल इरर हमारी एम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस पी डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल इरर होगी, ठीक है। ये हमारी रिलेटिव इरर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई परसेंटेज इरर पूछ दे तो हम परसेंटेज इरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज इरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस एन डेल्टा बाई अपॉन बाई इंटू 100 प्लस पी डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, तो ये हमारी निकल के आ गई परसेंटेज इरर, ठीक है। आई थिंक ये प्रोपगेशन ऑफ इरर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी इसमें कोई डाउट रह रहा है तो वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको अभी अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको प्रैक्टिस में लाना है और हर एक रूल को अपनी समझ में बिठाना है, ठीक है। इसको लिख लिख के अपनी समझ में बिठाना है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।